नमस्कार दोस्तों, मैं आज बनाने वाली हूँ आलू और सूजी का ब्रेकफास्ट। मैंने पहले कभी नहीं बनाया है, आज पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। पता नहीं कैसे होगा, तो आप लोग भी देखते रहिए मैं कैसे बनाऊंगी। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है धनिया और ये प्याज, आलू और गाजर, तीन मिर्ची, सूजी। बनाने वाले हैं, कैसे बनेगा, अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा रिफाइन तेल डालेंगे। अभी हम इसमें देखिए जीरा डालेंगे। अब हम प्याज डालेंगे, साथ में डालेंगे गाजर और मिर्ची। अब इसमें डालेंगे ये देखिए आलू डालेंगे। नमक बस थोड़ा सा, अब थोड़ा सा पानी दे देंगे इसमें। अब उबाल आ चुका है तो हम सूजी डालेंगे और चम्मच भी चलाते रहेंगे। देखिए, अब थोड़ा पकने देंगे, चम्मच ऐसे ही चलाते रहेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया अब डाल देंगे। देखिए, इसमें हम अभी तेल लगाएंगे। अब हम ये हरी मिर्च और धनिया की चटनी बनाएंगे। थोड़ा सा नमक देंगे।
हम इस प्लेट में भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि चिपक ना जाए। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है तो हम अब इसकी कटिंग करेंगे अच्छी तरह से। हम रिफाइन से फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे तरह से फ्राई हो गया है। ये धनिया चटनी, ये टमेटो सॉस, ये सफेद सफेद हुआ है थोड़ा सा। देखिए मैंने यहाँ हल्दी नहीं दिया है और लाल मिर्ची नहीं दिया है। हल्दी लाल मिर्ची देने से इसका कलर थोड़ा चेंज हो। ट्राई करते हैं कैसा हुआ है। धनिया चटनी के साथ बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय।